पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में थल सेना के एक शिविर पर हमला करने वाले चार आतंकवादियों से दो नक्शे बरामद किए गए हैं, जिसमें उरी की सामान्य भौगोलिक संरचना का ब्यौरा शामिल है। उरी हमले के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से की जा रही छानबीन में भी इन नक्शों को शामिल किया जाएगा। इस बीच थल सेना ने नियंत्रण रेखा के पास की उस सटीक जगह की पहचान करने की कोशिश तेज कर दी है जहाँ से वो भारत में दाखिल हुए थे। आधिकारिक सूत्रों की माने तो मारे गए आतंकवादियों से हथियारों और गोला बारूदों के अलावा दो नक्शे बरामद किए गए हैं, जिनमें उरी के सामान्य इलाकों को दिखाया गया है। माना जाता है कि मारे गए आतंकवादी पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे। नक्शों में ब्रिगेड मुख्यालय और कस्बे के अन्य जगहों सहित उरी की कई जगहें दिखाई गई हैं। श्रीनगर से 75 किलोमीटर दूर स्थित उरी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की ओर से संचालित बिजली परियोजना के कारण रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। NIA चारों आतंकवादियों की पहचान का पता लगाने के बाद एक डॉजियर तैयार कर रही है, पाकिस्तान से औपचारिक अनुरोध करेगी। थल सेना ने भी अपनी जांच शुरू की है और शुरुआती छानबीन में पता चला है कि हमले से कम एक दिन पहले आतंकवादी इलाके में दाखिल हो चुके थे।